हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, बहुत से बच्चे एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि कब होंगे कब नहीं होंगे। वो चिंतित इतने हो रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अपना लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म हो रहा है। तो 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो मुझे सिचुएशन के अनुसार मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा 17 मई को। यह आगे भी बढ़ाया जा सकता है जिस हिसाब से अपनी अभी सिचुएशन है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम भी होना बहुत मुश्किल है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि 17 मई को लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है, अगर सिचुएशन को देख के लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है, तो दोस्तों बहुत बेकार डिसीजन होगा ये। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और UGC के रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा आपके एग्ज़ाम होंगे UGC की रिपोर्ट के अनुसार। और UGC भी कुछ जानकारी नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज है कि एग्ज़ाम लें या ना लें, कैसे लें, अगर एग्ज़ाम करवाएँ तो कैसे करवाएँ। तो ऐसे में दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें भी। और कुछ वीडियोस आप YouTube पे देख के दिल को तसल्ली दे लेते हो कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम होंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता दोस्तों एग्ज़ाम हो पाएंगे इस सिचुएशन को देखते हुए। अगर एग्ज़ाम होते हुए तो कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम लिए जा सकें। तो दोस्तों बता दूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वो सिर्फ ऑफलाइन ही हो पाएंगे, ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकें। तो एग्ज़ाम होने का मोड़ सिर्फ ऑफलाइन ही है, आपके ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं बस। तो मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस न्यूज़ में लिखा है, कोरोना दिल्ली विश्वविद्यालय की मई जून की सेमेस्टर परीक्षाएं हुई स्थगित। कोरोना वायरस प्रकोप के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई और जून में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में फैल रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई और जून में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। नियमित कॉलेजों के अलावा विश्वविद्यालय ने SOL और NCVAP के लिए भी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस बारे में सूचना ड्यू की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस देखने के लिए DUAC.IN पर जाएं। जानकारी के अनुसार सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं का शेड्यूल कुछ समय बाद जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस न्यूज़ के अनुसार आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं और आपका समय शेड्यूल बताया जाएगा। जब भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो आपको वो अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा देंगे 10 दिन पहले, अगर एग्ज़ाम होते हैं तो। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होना पॉसिबल है। अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो UGC वाले एक रूल रेगुलेशन बनाएंगे जिस हिसाब से एग्ज़ाम लिए जा सकें। और मेरा ओपिनियन कहता है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपको पास इस बेस पे किया जा सकता है, आपके असाइनमेंट और पिछले सेमेस्टर के जो नंबर थे उस बेस पे आपको पास किया जा सकता है दोस्तों। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, इस बेस पे आपको शायद पास किया जा सकता है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना।